जय हिंद, मैं अजमल कामरान। और मैं आशीष भारती। हमारी उम्र 21 साल और हम है रेड ड्रेस क्लब के फाउंडर। जैसा कि आपको पता ही होगा, किसी भी देश की मीडियन एज पॉपुलेशन उस देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बना सकती है। खुशी की बात यह है कि हमारे देश की 50% जनसंख्या 25 साल से छोटी और 65% जनसंख्या 35 साल से छोटी है। इसका मतलब हमारे देश की 70 करोड़ जनसंख्या 28 साल से भी छोटी है और यही हमारे देश की मीडियन एज पॉपुलेशन है, जो विश्व में हमें एक युवा शक्ति राष्ट्र और इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में उभरने का मौका प्रदान करती है। आज से 30 साल पहले चाइना की मीडियन एज पॉपुलेशन 23 साल की थी। उसी यूथफुल पॉपुलेशन को स्किल लेबर करके चाइना ने उस टाइम पर वर्ल्ड फैक्ट्री का स्टेटस पा लिया था, और हम क्यों नहीं, जबकि हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में वर्किंग एज पॉपुलेशन है। रेड ड्रेस क्लब की सोच है कि हमारे देश के युवा बेरोजगारी और जीवन यापन के लिए पूर्णतः सरकार पर निर्भर न रहे, बल्कि इसके विपरीत वो सरकार के साथ मिलकर गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसे गंभीर समस्याओं को पूर्णतः समाप्त कर दे और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र से लेकर विश्व व्यापार के सर्वोच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करे। हमें पता है कि यह राह बहुत संघर्षपूर्ण, अनेक मुश्किलों और कठिनाइयों से भरी हुई है, लेकिन 70 करोड़ युवाओं और हमारे देश के वरिष्ठ अनुभवी संकल्पवान शिक्षकों के साथ मिलकर हम एक बिल्कुल नई आर्थिक और व्यापारिक शिक्षा का मजबूत नींव रख सकते हैं। रेड ड्रेस क्लब की मूल लक्ष्य है लोगों की आर्थिक परेशानियों से आजादी और युवाओं में व्यापार की आधारभूत समझ विकसित करना, जिसकी शुरुआत होती है आर्थिक शिक्षा से। सवाल यह है कि आर्थिक और व्यापारिक शिक्षा की जरूरत क्यों है? जवाब यह है कि आर्थिक समझदारी न होने के कारण ही हमारे देश के युवा जल्दी पैसा बनाने और रातों रात अरबपति बन जाने के चक्कर में सोशल मीडिया पर फ्रॉडरों के स्कैम का शिकार बन जाया कर रहे हैं। जवाब यह है कि आर्थिक समझदारी न होने के कारण हमारे देश के 20% से भी ज्यादा लोग बुरे कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड लोन, बैंक लोन में फंस चुके हैं। कितने ही लोग शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में भी अपने मेहनत से कमाई पैसों को डुबो चुके हैं। आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ने ही वाली है, और इसका मूलभूत कारण है लोगों में पैसों की समझ और प्रबंधन का ज्ञान न होना। व्यापारिक शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यापार ही किसी देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करती है, और इन सब का ज्ञान न तो स्कूल और न ही कॉलेजों में सिखलाया जा रहा है। रेड ड्रेस क्लब का उद्देश्य है क्यों न हम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली तैयार करें जिससे हम न सिर्फ थ्योरेटिकली बल्कि मेटावर्स गेम, वेबिनार और अलग अलग एक्टिविटीज के माध्यम से इस प्रोग्राम को और भी मजेदार और प्रैक्टिकली बनाएं। हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का स्तंभ रखें जिसमें सर्टिफाइड इन्वेस्टर हो और लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बेटर फाइनेंशियल एंड बिजनेस रिलेशन बनाएं, एक दूसरे के साथ मिलकर व्यापारिक हिस्सेदार बने और एक दूसरे के व्यापार में अपने पैसों और बुद्धिमत्ता का निवेश करें। इस प्रोग्राम में हम पहले अपने मानसिकता का विस्तार सीखेंगे, जैसे बिना पैसों के पैसे कैसे बनाएं, कैसे बिना पैसों के व्यापार खड़ा करें, एक बार पैसा आ जाने पर पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाएं, अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज के बीच का अंतर, अच्छे खर्च और बुरे खर्च के बीच का अंतर, अच्छा नुकसान और बुरे नुकसान के बीच का अंतर, व्यापार में जोखिम से घबराने के बदले किस तरह जोखिम को संभाला जाए, कैसे जोखिम को अपने नियंत्रण में रखा जाए, संपत्ति और दायित्व का वास्तविक अंतर, टैक्स कानूनों का लाभ कैसे उठाया जाए, व्यापार के लिए पूंजी कैसे जुटाई जाए, और रोचक चित्रों के माध्यम से कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आसानी से समझना, व्यापार में लीवरेज का इस्तेमाल। हर वह चीज जो इंसान की आर्थिक और व्यापारिक विकास में मदद कर सके वो लीवरेज है। जैसे कि तीन इंसान है, पहला वाला पैदल है, दूसरा वाला साइकिल से है और अंतिम वाला मोटरसाइकिल से है। तो मोटरसाइकिल वाला इंसान अंतिम में होने के बावजूद इन दोनों से पहले और जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा। ठीक उसी प्रकार व्यापार और फाइनेंस के दुनिया में भी बहुत तेज और धीमे लीवरेज होते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आपको उनका सही इस्तेमाल करने आना चाहिए। और रेड ड्रेस क्लब में हम यही सब सीखेंगे कि इनका इस्तेमाल हम अपने पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस में कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट इज इन्वेस्टमेंट एंड द अदर इज बिजनेस। कैसे अपने इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम से कम और रिवार्ड ज़्यादा से ज़्यादा रखें, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर के कितने प्रकार होते हैं और इसी में बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, मनी मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, टेक्निकल एंड फंडामेंटल नॉलेज। और अंत में ये सब जानने के बाद हम खुद को एक सफल निवेशक में कैसे तब्दील करें। बात आती है व्यापार की तो इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन एक मिनट के अंदर रोचक चित्रों के माध्यम से हम तीन महत्वपूर्ण ढांचा जानेंगे, क्योंकि चार्ट हमारे सीखने को और आसान बनाती है। पहला ढांचा व्यापार के तीन महत्वपूर्ण लोगों को बतलाता है,
एंटरप्रेन्योर, मैनेजर एंड टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर मतलब उद्यमी। उद्यमी वो है जो अपने विचार को व्यापार में बदलने का ताकत रखता है और मुश्किल से मुश्किल वक्त में उद्यमी का जज्बा ही उसे व्यापार में जिंदा रखता है। मैनेजर व्यापार में आए सभी परेशानियों का प्रबंधन करता है, जबकि टेक्नीशियन व्यापार को स्मूथली रन करवाने में एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर का मदद करता है। दूसरा चित्र व्यापार का प्रमुख अंग है। व्यापार में इन चारों का होना आवश्यक है, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इन चारों के साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए कार्य करना है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चार्ट है BI त्रिकोण। कैश फ्लो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्विक रेशियो, करेंट रेशियो, रेवेन्यू एंड एक्सेट्रा। इसी में हम सीखते हैं सेल्स स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टीजमेंट, फनल बिल्डिंग एंड ऑल्सो लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मार्केटिंग, जस्ट लाइक 5 P's ऑफ मार्केटिंग, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, पीपल एंड प्लेस। तंत्र में सीखेंगे बिजनेस डेवलपमेंट प्रोसेस एंड प्रोग्राम, वेबसाइट डेवलपमेंट, हाउ टू स्टार्ट फ्रेंचाइजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, पीपल स्ट्रेटजी। इसमें हम सीखेंगे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे करें, कॉपीराइट एंड पेटेंट कैसे ले बिजनेस का, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉड्यूल, सोल प्रोप्रेटरशिप क्या होता है, एकांकी व्यापार क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाए, किस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदले और किस तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी बदलने के बाद हम IPO लॉन्च करें, IPO के प्रॉफिट एंड लॉस क्या होते हैं। एट लास्ट इसमें हम सीखेंगे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाइड हो। हमारा लक्ष्य है अगले 10 साल के अंदर 20 यूनिकॉर्न और 3 वर्ल्ड क्लास बिजनेस बनाना, जिसकी शुरुआत हमारे छोटे से राज्य बिहार से होगी। और यह होगा हमारे उत्तम शिक्षा प्रणाली, पर्याप्त पैसा, उच्च स्तरीय तकनीक और एकत्र सामूहिक समर्पण से, जो रेड रस क्लब का अखंड प्रतिज्ञा है। क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा है, इस कारण हमें जरूरत है एक अनुभवी और खुले विचारधारा के अभिभावक की, जिन्हें राजनीति, विदेश नीति और आर्थिक रणनीति में महारत हासिल हो और जिनके दिल में युवाओं के लिए चिंता और प्रेम दोनों का भाव हो। इस कारण हमें जरूरत है आपके मार्गदर्शन की और साथ ही इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए डेप्थ और इन्वेस्टमेंट के रूप में कुछ पैसों की, जिसका हम आपसे निवेदन और आशा करते हैं। अंत में बस यही बोलूंगा, हम पर विश्वास करें, क्योंकि हमें जरूरत है आपकी, अपने युवाओं को व्यापार में उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए।